तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। तो भाई आ गए एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो भाई आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह भी भाई इतनी तेज तेज हवा चल रही है ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ऊपर। तो नीचे मतलब फिर भी ठीक है भाई, मतलब उस साइड ना नीचे फिर भी ठीक है, ऊपर ज़्यादा हवा चल रही है। नीचे तो इतनी हवा नहीं चल रही, ऊपर ज़्यादा चल रही है। तो फिलहाल किंग वगैरह और किंग के पट्ठे ठीक है और स्लेटी मार खुली हुई है, उनको बंद करके तो फिर कुछ करते हैं, देखते हैं आज क्या करेंगे। लाल आज अपने को जो अपनी काली पट्टी ना, जो चोबर की बहन है, उसको भी उठाना है। वो उसको भी आज पाँचवा दिन है, अंडे पे बैठी हुई है। तो भाई उसके बच्चे आ जाएंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। वो अपने चिट्टी लत्तों वाले के पट्टे हैं, मतलब वो अपने ना चिट्टी लत्तों वालों के बच्चे आएंगे, जो भी आएंगे। पट्टे बोल रहा हूँ, अभी तो निकले भी नहीं है, पट्टे बोल रहा हूँ। बहुत खतरनाक बच्चे आने वाले भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्चे आएंगे। अपनी स्लेटी वाली पट्टी तो बहुत बड़ी हो गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखो चेक करो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। पट्टा अपना किंग वाला पता नहीं भाई क्यों छोटा रह गया, पता नहीं ठंड ने दबोच लिया उसको, क्या सीन है। चेक करो भाई कितनी बड़ी हो गई है पट्टी तो, स्लेटी वाली ना। अभी पट्टा भी दिखाता हूँ आपको। तो पट्टा तो ये रहा भाई, 5 महीने का होने वाला है, पर इसने ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करी भाई, बिल्कुल भी। जिसको बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों, ये अपने किंग का बच्चा है, पता नहीं ठंड की वजह से भाई। पर ठंड यार पहले के 3 महीने तो इसको ग्रोथ करनी चाहिए थी ना पूरी। देखते हैं अभी भाई कितना कद निकालेगा, अभी ये कितनी हाइट निकालेगा। यार जो अपनी स्लेटी का भाई था ना, वो पट्टी का, उसकी हाइट तो भाई बहुत बड़ी थी इनसे, तो वो बहुत ज़्यादा हाइट मतलब निकालने वाला था। पर इसे नहीं पता क्या हो रहा है, आप जाके थोड़ी सी ना ग्रोथ करनी इसने शुरू करी है, 1-2 महीने के बाद पता लगेगा। 7 महीने का जब हो जाएगा ना तब पता लगेगा इसकी ग्रोथ कितनी जा रही है। तब तक आप देखो अच्छे से भाई, क्वालिटी में 1 नंबर है, पर हाइट पता नहीं क्यों रोक गया ये भाई। स्लेटी मुर्गी का ना अपने चीने के साथ रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, पर मैं सोच रहा हूँ ना इस बार उसका रिजल्ट ना अपन किंग के साथ देखते हैं, तो इसलिए मैंने किंग के साथ छोड़ रखी है। किंग के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बच्चे आने चाहिए वैसे तो स्लेटी के, अगर इस झोल में उसके साथ अच्छे बच्चे आए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट झोल के लिए ना उसको वापस से अपने चीते के साथ लगा देंगे। तब तक के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आपका भाई क्या चीज़ बन जाए, इसलिए किंग के साथ अभी लगा रखी है उसको। चेक कर लो एक बार, जब तक मादी का शौक करो, चेक करो आँख, देख रहे हो वाइट, कितनी वाइट है इसकी आँख। छोटे डंडे हैं, छोटी गर्दन है, पूँछ भी सीधी है, खड़तुम भी नहीं है, और स्लेटी मादी है, और इसके बच्चे भी स्लेटी आते हैं। पट्टा तो आपने इसका देख ही रखा होगा, जो अपने चोबर की उम्र का था मैंने वीडियो में डाल रखा है पहले, बहुत पुरानी वीडियोस में। अभी तो फिलहाल वो नहीं रहा, मर गया था बेचारा। तो बहुत ज़बरदस्त बच्चे आते हैं भाई इसके, चेक कर रहे हो। बड़े बच्चों के साथ ना मैंने किंग वाला बच्चा और अपनी स्लेटी वाली पट्टी दोनों नीचे छोड़ दिया। स्लेटी वाली मतलब मैंने स्लेटी को ना किंग के साथ ही रखा हुआ है ऊपर, इनको अब ना मैं अलग करने वाला हूँ यार। इन्होंने ग्रोथ रो रखी है माँ के चक्कर में, क्योंकि कहीं जाते नहीं है, अब दोनों रहेंगे अपना घूमेंगे, खुद ही खुद ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी इनकी। ये चेक करो पट्टी, इनके बच्चे भाई इतने तगड़े आएंगे ना जब इनके बच्चे लेंगे, बहुत तगड़े बच्चे आएंगे इनके। ये दोनों पट्टियों के और एक वो पट्टी के, ये 3 पट्टी तो भाई गॉड गिफ्टेड है हम पे, बहुत ज़बरदस्त बच्चे आने वाले हैं। तो सुल्तान आज भी ऊपर ही रहेगा, फिलहाल प्रिंस को दाना खिला रहे हैं साथ में ये अपनी चीनी पट्टी को। मैंने इसके साथ ऐसे ही छोड़ रखी है, अगर बाई चांस इसने एक दे भी दिए तो भी बढ़िया है, वरना इसके साथ फिरती रहेगी, क्योंकि अकेली रहती थी। आपको पता है प्रिंस के साथ जो इसकी सिस्टर होती थी वो अभी अंडों पर बैठी है, तो ये पट्टी अकेली होती थी तो ना ये बहुत चीखता था, कौन 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 करता रहता था, तो इसके साथ इसलिए मैंने ये चीनी पट्टी छोड़ दी है। ये वैसे भी 10-11 महीने की तो है ही, अगर अंडे दे भी देगी तो कोई भी सीन नहीं है, या तो खा लेंगे या तो बच्चे निकलवा लेंगे। प्रिंस अपना बुरा तो है नहीं मुर्गा, प्रिंस में जो बात है अपने दूसरे मुर्गों में शायद ही है, क्यों बस ये थोड़ा घूमता है ये, वरना सामने वाले को तो ये हिला देता है। चेक करो अभी तो उसकी पूँछ वापस से थोड़ी सी सही होने वाली है, अभी तो फिलहाल बाकी, एक बार जब झाड़े में आएगा ना तब जाके इसके सबरे वापस से खूबसूरती वापस आएगी। चला गया उधर, तो पट्टी खोल दी अपन ने जो अंडों पे बैठी है, ये रही भाई, जैसे ही क्रिएट को उठाते ना एकदम से उठ के भागती है ये। छोटी पट्टियों को बिठाने का ना यही होता है, इनको बस बाहर निकलने के होते हैं जब खोलने वाले हो ना,
बड़ों को तो भाई उठा के निकालना पड़ता है खुद ही कि भाई चल आ जा तू दाना वाना खा ले। इनको तो बस क्रेट उठाओ शूट ही निकलते बूम। पर बच्चे निकाल लेते हैं ऐसे भी, पर भी वो सही होता है। देखो उसको मकोई को अपनी बहन को ही भूल गई। तो मुर्गी को खिला दिया, खाना पीना हो गया इसका, वापस से ये बैठ चुके हैं। अभी इसको ना ढक देते हैं। इनको मैंने खोला हुआ है कि धूप सेकेंगे, ठीक है। ये पल्लू के नीचे घुस के बैठे, देख लो सारे के सारे बच्चे। आज धूप निकली हुई है, गब्बर भी आराम से खाना पीना खा रहा है। चिट्टू को भी खोल दिया, वो सामने अपनी है गंजी जिसको अपन चीने से भरवा रहे हैं। और इनको देखो भाई घुसे बैठे अंदर, देख रहे हो कैसे पानी पीने लगे हुए हैं गब्बर के साथ मिलके। ये लोग गब्बर भी पी रहे हैं, ये लोग भी पी रहे हैं। हाँ गब्बर क्या है, गए भाग गए। थोड़ी सफाई करता हूँ यार छत की ना, गंद बहुत ज़्यादा डल गया। तो भाई कुछ इस तरीके का माहौल है अभी इस टाइम अपने पे। सारे बड़े मुर्गे मतलब आज तो भाई सुबह से नीचे अपना चीना ही खुला हुआ था, बड़ा चीता, ठीक है, चीता खुला हुआ था सुबह से। अभी सबको ऊपर लेके आ गए हैं, सभी एक दूसरे को भगाने लगे हैं। ओ दाना ही नहीं है, दाना भर देते हैं जल्दी से पहले इनको ना। तो इसकी ये आदत कभी नहीं जाएगी जैसे कि मैंने आपको बोला है इसके ऊपर चढ़ के खाने वाली। और भाई मेरा बड़ा चैनल भी शुरू हो चुका है, मेरे को अब बताना आप मैं वीडियो इसमें डाला करूँ या उस पर। उस पर बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली ना, पता नहीं अभी वो सही से चलेगा कि नहीं। ट्राई करूँगा उस पर भी एक वीडियो डाला करूँ और इस पर भी। बाकी ब्लॉग्स तो इसी पे आएंगे, उस पर थोड़ी बहुत ही वीडियो डाला करूँगा यार मैं। ऐसे ही खाता है भाई ये, खा ले खा ले खा ले बेटा खा ले। बाकी अगर भाई किसी और को भी पता है यार कुछ बताओ, क्योंकि सबको अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना। अगर आपको लगता है कि इसके लिए कुछ क्विक है कुछ मतलब हाइट वाइट के लिए इसकी, ये पता नहीं भाई क्यों रह गया छोटा सा पिद्दू सा, वरना मेरे घर के रहते तो नहीं है। किंग का बच्चा यार, किंग का पहली बारी बच्चा लिया था, पता नहीं क्यों इतना छोटा रह गया। अपनी स्लेटी वाली पट्टी भी इससे बड़ी है। पता नहीं यार इस बार ना, क्योंकि अब पिता पीछे मतलब घर वगैरह भी बन गए थे ना, ये पीछे जाते नहीं थे। पहले वाले बच्चों को तो अच्छा कीड़ा वगैरह मिलता रहता था। चलो 5-6 महीने पड़े हैं अभी इस पर हाइट निकालने के लिए, निकाल ही लेगा जितनी निकालनी होगी इसने। चेक करो, देख रहे हो, एक इधर एक उधर, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है। पैर के ऊपर पैर रख के खड़ा है, बताओ हद। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और भाई मैं नेक्स्ट वीडियो, मैंने जो मेरे मेन जोड़े हैं मैंने वो नर के साथ ये मादी क्यों लगाई, अगर आप वो लोग जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।